Assalamualaikum my two family, आप लोग कैसे हो। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो फ्रोजन हमने समोसा शीट बनाया है उसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ और कैसा बनता है हमारा ये समोसा फ्रोजन जो शीट होता है उसी से ही। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जो शॉपिंग बैग होता है उससे पैक करके मैंने इस तरह से कंटेनर में रख दिया है। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए फ्रोजन करना चाहते हो तो शीट को, तो आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर ऊपर से कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे ऊपर में रख कर फिर से ढक्कन लगा कर आप डीप फ्रीज़र में रख सकते हो। लेकिन मैं ये नॉर्मल फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि मैं 15-20 दिन तक इसको चलाऊंगी और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से रखती हूँ। और उसका जो मैं अंदर का फीलिंग जो है उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दिया है और साथ में कुछ चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है और कुछ ग्रीन चिली डाला है और साथ में टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाला है। तो मैं झटपट बना रही हूँ और उसी से मैं फीलिंग करके आप लोगों को समोसा बना के दिखाऊँगी और फ्राई करके भी दिखाऊँगी कैसा बना है, जो फ्रोजन होममेड जो शीट बनता है उसी से कैसा बनता है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और यहाँ पे मैं मसाला डाल रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है और लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून डाल दिया है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है और कुछ मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के मैं सारा मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये झटपट बन जाता है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे है चिकन का जो हम अंदर का फिलिंग बनाते हैं वो भी मेरे चैनल पे है रेसिपी, तो आप लोग चाहे तो वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ग्रेट किया हुआ अदरक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और फिर से मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह मसालों को बना रही हूँ। तो ये झटपट बन जाएगा अंदर का फिलिंग। और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी बॉयल किया हुआ ब्लैक और चिक पीस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा बॉईल करके रखा था पहले से, वही मैंने डाल दिया है और उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और जब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तब इसमें बॉईल किया हुआ पोटैटो मैं डाल रही हूँ। तो ये मैं हाथ से मैश करके डाल रही हूँ, तो ग्रेटर से ग्रेट करके नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उतना टेस्ट नहीं आएगा इसमें। समोसों की फिलिंग के अंदर ये जो होता है पोटैटो का बाइट पड़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने हाथ से उसको मैश करके डाला है। और उसको डालने के बाद मैं फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और ये झटपट बन जाएगा। अगर आप पोटैटो को पहले से बॉईल करके रखोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये फिलिंग बनने में। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं 2-3 मिनट तक इसको लो हीट में रखूँगी और उसके बाद हमारा जो फिलिंग है वो रेडी हो जाएगा। और लास्ट में हरा धनिया में थोड़ा सा डाल दूँगी, तो हरा धनिया जितना हो सके आप ज़्यादा डालिए, तो इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मेरे पास थोड़ा था तो मैंने वो भी डाल दिया है। और उसके बाद मैं फिर से अच्छी तरह से मिक्स करके प्लेटर में निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। सो यहाँ पे मैंने प्लेटर में निकाल लिया है और हमारा जो फिलिंग है वो ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। और दूसरी साइड में आप लोगों को दिखाती हूँ समोसा का जो शीट है उसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के मैंने आधा घंटा बाहर में रख दिया था। तो ये अगर बनाने के कुछ टाइम पहले आपको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज से निकाल के रखना पड़ेगा, अगर तुरंत बनाना चाहते हो तो नहीं बनेगा, टूट जाएगा। तो मेरा आधा घंटा हो गया है, तो मैंने कुछ शीट निकाल लिया है और यहाँ पे मैं उसको जो फोल्ड को मैं जो करने के लिए मैं यहाँ पे एक मिक्सचर बना रही हूँ। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, तो ये ग्लू का काम करेगा। समोसा की साइड में लगाऊँगी ताकि वो फ्राई करने के टाइम वो निकल ना जाए, इसलिए। तो ये एकदम ग्लू बन गया है, होममेड ग्लू। और यहाँ पे हमारा फिलिंग भी ठंडा हो गया है, तो अभी इसको मैं झटपट बना लेती हूँ। तो किस तरह से मैं समोसों को फोल्ड करती हूँ तो आप लोग वीडियो भी देखते जाइए। तो इस तरह करके मैं कौन का शेप दूँगी और उसको मैं अंदर में फिलिंग डाल के मैं उसको जो ग्लू हमने बनाया है उसी से ही मैं उसको चिपक लूँगी। तो इसी तरह से बनाने से वो फ्राई करने के टाइम बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो इस तरह से फिलिंग मैंने अंदर में डाल दिया है और इसमें इतना ज़्यादा फिलिंग भी नहीं लगता है, कम डालने से भी हो जाएगा। और साइड में इस तरह से जो मैदा का गुल हमने बनाया है उसको ब्रश से लगा लूँगी और उसके बाद जो पोर्शन है उसको मैं चिपक लूँगी इस तरह से। और इस तरह करने से ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से भी आप बना सकते हैं।
और मैं जितना एक टाइम के लिए फ्राई कर रही हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना ही बना रही हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा फ्राई करना चाहते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन जितना हम लोगों को एक टाइम के लिए चाहिए था तो मैं उतना ही बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि होममेड चीज से किस तरह से समोसा बनता है और कैसा बनता है फ्राई करने के टाइम, अच्छा होता है या बुरा, सब कुछ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अगर बनाओगे मेरा रेसिपी फॉलो करके तो उसको आप लोग देख सकते हो। तो दूसरा मैं और एक डिज़ाइन दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने दो शीट को रख दिया है, उसको पॉकेट जो समोसा कहते हैं, तो ये भी इजीली बना सकते हो। मैं दो तरह की बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसा आप लोगों को इजी लगे, परफेक्ट लगे, सही आप लोग बना सकते हो। तो इस तरह करके मैं सारे चारों साइड से इस तरह से जो हमने मैदा का गोल बनाया है उसको ब्रश से लगा लूँगी और इस तरह से चिपक लूँगी तो ये नहीं खुलेगा। तो बहुत ही ईजी है और आप लोग चाहे तो उसको बनाकर पहले से रख सकते हो और इफ्तार के टाइम में अगर आपको समोसा खाने का मन करेगा तो तुरंत बनाकर फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा बना लिया है और कितना परफेक्ट समोसा बना है, जैसा ही मार्केट का शीर्ष से बनता है वैसा ही बना है। और यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, अभी जो समोसा है उसको मैं फ्राई करूँगी। तो एक एक करके मैं समोसा डालूँगी और उसको फ्राई करूँगी, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं फ्राई करके प्लेटर में सारा निकाल लेती हूँ और जब तक सब फ्राई हो जाता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक साइड होने के बाद मैं दूसरे साइड को पलट दूंगी, तो इसी तरह करके मैं सारा समोसा फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ समोसा फ्राई हो गया है, तो उसको मैं प्लेटर में निकाल रही हूँ और यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट फ्राई हुआ है। तो इसी तरह करके मैं सारा फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड हो जाने के बाद मैं दूसरा साइड को पलट दूँगी और जो गैस का हीट है उसको मैं मीडियम ही रखूँगी, ज़्यादा हाई हीट पर मत रखूँगी, क्योंकि अगर अंदर का जो पोर्शन है वो कच्चा रह जाएगा और मीडियम हीट पर एकदम परफेक्टली वो फ्राई हो जाएगा। और जो शीट बना है एकदम परफेक्ट है, इसलिए फ्राई करने के टाइम में इतना टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा जो जितना हम लोगों को चाहिए एक टाइम के लिए उतना ही मैंने फ्राई किया है और सारा फ्राई करके मैंने प्लेटर में निकाल लिया है और कितना परफेक्ट फ्राई हुआ है। और जो पॉकेट समोसा है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो इस तरह से आप होममेड शीट को यूज़ करके समोसा बना सकते हो और अगर आप फ्रोजन करना चाहते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो वो भी कर सकते हो और बनाने के टाइम में एकदम टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में ये बन जाएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा ये समोसा और एक भी समोसा टूटा नहीं है, तो एकदम परफेक्ट बना है। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो और अपने रमज़ान को एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा भी आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।